अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखने जा रहे हैं। देखो, लास्ट प्रोग्राम जो हमने बनाया था वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था। मल्टी लेवल में क्या था, स्टूडेंट को मार्क्स में इनहेरिटेंस किया, मार्क्स को रिजल्ट में इनहेरिट किया, बराबर। पर मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैं क्लास मार्क्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मतलब स्टूडेंट और मार्क्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो था इंडिपेंडेंट। ओके, स्टूडेंट और मार्क्स में कोई कनेक्शन नहीं है, खाली रिजल्ट क्लास के अंदर, यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट कॉमा पब्लिक मार्क्स, मतलब दोनों इसके अंदर मिले, किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। मेन में भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि रिजल्ट क्लास के अंदर सारे फंक्शन आ गए। ओके, पांचों पांच फंक्शन रिजल्ट क्लास के अंदर है, मतलब सेट स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट, सेट मार्क्स, प्रिंट मार्क्स एंड प्रिंट रिजल्ट। ओके, तो ये एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। फिर से बता रहा हूँ, स्टूडेंट और मार्क्स दोनों अलग अलग क्लासेस है, उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं, दोनों इकट्ठा हुए, किस में इकट्ठा हुए, रिजल्ट में। और लेट्स रन दिस, देखो आउटपुट सेम टू सेम मल्टी लेवल जैसा ही आएगा, पर यहाँ पे इतना डिफरेंस है। ओके, तो रिलेशनशिप में ही डिफरेंस है, यहाँ पे मल्टीपल में, यहाँ पे दोनों इकट्ठा हो गए। ओके, यहाँ बाकी ए और बी इंडिपेंडेंट है, सी में ए और बी दोनों मर्ज हो गए। इज क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस।